खबर यह है कि अमीर बलाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुलजम तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड ने तस्दीक कर दी है। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान किश्वर कहते हैं तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए आइंदा चंद रोज में टीम बैरून मुल्क जाएगी। दुबई पुलिस ने तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए तआवुन की यकीन दहानी करवाई है। मुजाहिद लतीफ हमारे साथ है, उनसे मजीद अपडेट लेंगे। मुजाहिद बताइएगा कि इसमें अहम पेशरफ्त हुई है। देखिए नुमान, अमीर बलाज कत्ल केस में जो है ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो सामने आई है कि कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया गया है और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए आइंदा चंद रोज में टीम बैरून मुल्क जाएगी। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर की जानिब से बताया गया है। गोगी भट्ट पाकिस्तान में रूपोश है। दोनों नामजद मुलजमान तफ्तीश के बाद बजरिया अदालत इश्तिहारी करार दिए गए हैं, ये कहना है DIG ऑर्गेनाइज क्राइम का। दुबई पुलिस ने तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए तआवुन की यकीन दहानी कराई है। गिरफ्तार ना होने पर दोनों नामजद मुलजमान की लाहौर में मौजूद जायदाद जो है उसके कुर्की के अहकाम भी हासिल किए जाएंगे। बलाज कत्ल केस की तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और तमाम ताने बाने तीफी भट्ट से मिलते हैं, ऐसा कहना है DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर का। जी ठीक है, मुजाहिद लतीफ अपडेट करने के लिए शुक्रिया।